नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागिला न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज ने मनाया होली का पर्व। काशीपुर के गिरताल रोड स्थित ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज में आज होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सभी विभागों के बच्चों द्वारा जमकर होली खेली गई। साथ ही कॉलेज के डायरेक्टर एकेडमिक्स मनोज मिश्रा द्वारा बताया गया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हर त्योहार और कार्यक्रम जरूरी होते हैं। वहीं कॉलेज के चेयरमैन संतोष मेहरोत्रा, सेक्रेटरी शिवानी मेहरोत्रा, इंस्टीट्यूशनल हेड प्रतिमा सिंह एवं समस्त कॉलेज प्रबंधन द्वारा क्षेत्रवासियों एवं सभी बच्चों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। अनुश्री, पहले आपको और सुरागी लाल की पूरी टीम को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं, बधाई। होली के रंगों की तरह ही आपका चैनल इसी तरह चमकता रहे। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हमारा जो ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज है, यहाँ पर हर फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आप देख सकते हैं इस बार होली का जो पर्व था वो इतनी अच्छी तरह मनाया गया है कि मैं खुद देख रहा था कि बच्चों में कितना उत्साह था। और मैं इस होली के संदेश में, इस होली के पर्व पर सिर्फ एक ही संदेश दे सकता हूँ कि जिस तरह से हमारे समाज में हम सभी जितने भी अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो जिस तरह से हम होली खेलते हैं और अलग अलग रंगों को एक साथ पिरो देते हैं एक दूसरे को, इसी तरह से हर धर्म के लोग इस पर्व के साथ साथ अपने जो समाज के अंदर शांति, स्वभाव, सद्भाव जिसे कह सकते हैं, और बहुत प्यार से रहें और होली का रंग की तरह वो हमेशा मुस्कुराते रहें और खेलते रहें। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है, पार्ट ऑफ एक्सट्रीम, बहुत मज़ा आया। मतलब मस्त था, मज़ा आया ओवरऑल, बहुत इन्जॉय करा। अभी हमें गुजिया मिली, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इन्जॉय। सर डीजे मनोज सर ने हमें डीजे अरेंज किया, उस पर हम बहुत डांस करे। थैंक यू, बढ़िया लगा रहा। क्या बताएं, मेरी लास्ट होली थी इस कॉलेज में तो आना ही पड़ता था। और वैसे भी होली तो कौन मना ही कर सकता है, तो रंगों का त्यौहार है और वैसे भी श्री राधा कृष्ण से कनेक्शन है तो वो तो है। आइए नजर डालते हैं काशीपुर की अन्य खबरों पर। रीजन वैली स्कूल में बच्चों को दी गई स्कॉलरशिप। आईटीआई पुलिस ने किया नशे के सौदागरों को गिरफ्तार। केशव कुंज में धूमधाम से मनाई गई होली। कोतवाली पुलिस द्वारा किया गया अभियुक्तों को गिरफ्तार। उप जिलाधिकारी कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियां। कटरताल पुलिस ने किया अभियुक्तों को गिरफ्तार। वारंटियों की धरपकड़ हेतु चला अभियान। 21 तारीख से लापता हुई नाबालिग, गुमशुदगी कराई दर्ज। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर के अंडेश्वरी रोड स्थित विजन वैली स्कूल के संस्थापक विनीत गुप्ता के सपने को पूरा करने में जुटा हुआ है। उसी का नजारा आज तब देखने को मिला जब स्कूल के चेयरपर्सन वत्सला गुप्ता द्वारा बताया गया कि जिन बच्चों द्वारा लगातार एकेडमिक्स में और को करिकुलर एक्टिविटीज में शानदार प्रदर्शन किया जा रहा है, उनके लिए श्री विनीत गुप्ता स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप दी जा रही है, जिससे बच्चों के भविष्य में आर्थिक परेशानी कभी रुकावट ना बन सके। इस मौके पर स्कूल का समस्त स्टाफ, छात्र छात्राएं एवं अभिभावक गण मौजूद रहे। सो ये हमारा स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो हमारे फाउंडिंग चेयरपर्सन मिस्टर विनीत गुप्ता के ऊपर बेस्ड है, और वो हमेशा अपनी तरफ से जिस तरीके से भी हो सके बच्चों की मदद करना चाहते थे और बढ़ावा देना चाहते थे, तो उसी लेगेसी को हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप्स देना चाहते हैं ताकि वो इनकरेज होकर अपने अपने फील्ड में और बहुत बेहतर करें। ये बहुत ही हमारे लिए बहुत बड़ा ओकेजन है। ये ईयर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम अपने 25th ईयर में अब मूव कर रहे हैं। तो जो भी आपने सेलिब्रेशंस देखे, ये पूरा 25th ईयर का हमारा एक करिकुलम का पार्ट रहेंगे और हम टाइम टू टाइम बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। और सिर्फ यही बताना चाहेंगे कि अभी तो शुरुआत है, अभी हमने आगे बहुत लंबा जाना है और 25 के बाद 50, 50 के बाद 100 ईयर्स तक स्कूल सेलिब्रेट करता रहेगा और उसके बाद भी स्कूल की लेगेसी चलती रहेगी। हमारे मकसद ये है कि जो रैंकिंग सिस्टम है, जो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, उससे एक अननेसेसरीली कंपटीशन क्रिएट होता है। सारे बच्चों को बढ़ावा देने के लिए एंड हर बच्चे का जो भी उनके सक्सेस है, जो भी एकेडमिकली है, कल्चरली है, जो भी है, उनको एक तो स्कॉलर बैच के तौर पे हम उनको मतलब सम्मानित करना चाहते थे। इसके वजह से हर साल हम इन बच्चों को स्कॉलर बैजेस देते हैं और उनके पेरेंट्स के साथ ये सेलिब्रेट करते हैं एंड दैट्स रियली रिमार्केबल
मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत ITI थाना पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसमें अभियुक्त बलवीर सिंह के कब्जे से 30 लीटर अवैध शराब, अभियुक्त कुंजन सिंह के कब्जे से 300 लीटर अवैध शराब और परिवहन में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। साथ ही दोनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। काशीपुर के बाजपुर रोड स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला काशीपुर कार्यालय केशव कुंज में आज बैठक की होली का आयोजन किया गया, जिस दौरान अलग अलग क्षेत्र से लोगों ने पहुंच उसमें प्रतिभाग किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से आज जो होली का पर्व हमारा आ रहा है उसके संबंध उपलक्ष्य में ये आज कार्यक्रम है। होली का जो त्यौहार है ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सभी वर्ग भेद और ऊंच नीच छुआछूत को छोड़कर जातिगत जो हमारे समाज में बुराइयां हैं उन सबको मिटाने के उद्देश्य से आज इस त्यौहार को यहाँ पर मनाया जा रहा है और सभी वर्गों के सभी समाज के सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सब लोग प्रेम और सौहार्द के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं, होली मना रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, रंग लगा रहे हैं और जो गुंजिया और मिठाइयाँ बांट रहे हैं और आपस में मिलजुल कर एक साथ खा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मेन उद्देश्य है इस त्यौहार को मनाने का वो यही है कि जो समाज में बुराइयां हैं उनको दूर करके सामाजिक समरसता का भाव समाज में पैदा हो और सब मिलजुल कर रहे एक साथ सब त्यौहार में। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत काशीपुर कोतवाली पुलिस द्वारा राम जीवनपुर जाने वाले रास्ते से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अभियुक्त के कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब खाम बरामद की गई है। साथ ही अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लो पक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। निर्वाचन आयोग द्वारा हर जिले में विकलांग एवं 85 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों से अपने अमूल्य वोट को बूथ एवं अपने निवास स्थान से डालने के संबंध में जानकारी हासिल किए जाने को लेकर काशीपुर में उपजिलाधिकारी के कार्यालय में समस्त तहसील कर्मचारी एवं शिक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा सूचनाएं जारी करने के कार्य में लगाया गया है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए तहसील विभाग के कर्मचारी R.K. बाबू अक्रम अली द्वारा बताया गया कि विकलांग एवं 85 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों से जानकारी ली जा रही है कि वे बूथों पर जाकर वोट डालना चाहते हैं या नहीं। इसी को लेकर रियलिटी फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसी संबंध में उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह के कार्यालय से समस्त कर्मचारियों द्वारा लिस्ट जारी की जा रही है। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में कटोरताल पुलिस चौकी इंचार्ज विपुल जोशी द्वारा चीता मोबाइल पुलिस कर्मियों द्वारा रात्रि में कटोरताल क्षेत्र अंतर्गत 5 व्यक्तियों को आपस में आमद फौजदारी करते समय गिरफ्तार किया गया, जिसमें विपिन कुमार पुत्र सतपाल निवासी सीतापुर, अजय पुत्र जोगराज निवासी रामपुर, सुभाष पुत्र राजपाल निवासी नीजड़ा, अरविंद पुत्र करण सिंह निवासी कुमाऊं कॉलोनी शामिल थे। चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लो पक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कटोरताल पुलिस द्वारा वारंटी लीलाधर जोशी पुत्र मोहन चंद्र जोशी निवासी द्वारका विहार को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध धारा
138 NI एक्ट का वारंट जारी किया गया था। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर कोतवाली क्षेत्र नई बस्ती कटोरताल निवासी कशिश उम्र 17 वर्ष 21 तारीख से लापता है, जिसकी गुमशुदगी सुशील कुमार पुत्र नंद किशोर द्वारा काशीपुर पुलिस को दर्ज कराई गई एवं पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागिला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।